दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट आरपीजी में। आज की इस वीडियो का टाइटल है ओल्ड वर्सेस न्यू डिफेंडर। डिफेंडर 2020 के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं करंट डिफेंडर और अपकमिंग डिफेंडर के सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिले। लैंड रोवर डिफेंडर एक ब्रिटिश फोर व्हील ड्राइव ऑफ रोड व्हीकल है जिसे कि अर्ली 1980 में ओरिजिनल लैंड रोवर सीरीज से डेवलप किया गया था और जिसे अप्रैल 1948 में आमस्टर्डम मोटर शो में लॉन्च किया गया था। इसे शुरुआत में लैंड रोवर 90 और लैंड रोवर 110 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे 1990 में अपडेट किया गया और इसे डिफेंडर का नाम दिया गया। 1990 के बाद 2018 तक इसके कई अपडेट देखने को मिले। बात करें नेक्स्ट जनरेशन डिफेंडर की तो इसे इस साल 10 सितंबर को 2019 फ्रैंकफर्ट मोटर शो जर्मनी में डिस्प्ले कर दिया गया है। डिफेंडर को ग्लोबल कार रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है और उम्मीद है कि इसे दुनिया के दो प्रमुख कार मार्केट चाइना और यूएसए सहित 128 क्षेत्रों में बेचा जाएगा। पुराने डिफेंडर का डिजाइन वाइड व्हील आर्चेस और इंपोजिंग स्टैंड के साथ काफी ओल्ड डिजाइन था, जबकि जो 2020 डिफेंडर है उसमें आपको पुरानी अप्रोच के साथ मेजर चेंजेस मिलेंगे। इसमें आपको मॉडर्न एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं जो कि इसे और भी सोफिस्टिकेटेड डिजाइन लैंग्वेज देता है। बात करें इसकी साइड्स की तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें मॉडर्न अल्पाइन विंडोज को ऊपर की तरफ माउंट किया गया है। इसमें आपको बॉक्सी व्हील आर्चेस और लार्ज विंडोज मिलते हैं जो कि इसके प्रीडिसेसर से इंस्पायर्ड है। पुराने डिफेंडर की टेल लैंप्स की बात करें तो वो आपको बेयरबोन डिजाइन के साथ छोटे राउंड शेप में मिलते थे। दूसरी ओर अगर आप नए डिफेंडर के टेल लैंप की बात करें तो इसमें आपको स्क्वायर एलईडी टेल लैंप के साथ एसेंट्रिक डिजाइन मिलता है। इसके इंटीरियर की बात करें तो न्यू डिफेंडर 2020 में आपको मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके इंटीरियर को नेक्स्ट जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए लैंड रोवर ने डिजाइन किया है। इसके डैशबोर्ड में कई अपग्रेड्स मिलते हैं। एक 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम सहित एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें कि आपको कई सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ब्लूटूथ कंपेटिबिलिटी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो डिटेक्टिंग की सुविधा भी आपको मिलेगी। इसकी फ्रंट सीट्स में आपको दो 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट और एक यूएसबी सॉकेट मिलेगा, जबकि सेकेंड रो की सीट्स में पैसेंजर को दो 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट और एक यूएसबी सॉकेट तो मिलता ही है, साथ में एक एडिशनल यूएसबी पोर्ट और मिलता है। आने वाली नई डिफेंडर के बूट में एक 12 वोल्ट का 3 पिन सॉकेट मिलेगा जो कि आपको पुराने डिफेंडर में भी मिलता है। नई डिफेंडर में आपको दो मॉडल्स मिलेंगे, पहला 90 इंच व्हील बेस और दूसरा 110 इंच व्हील बेस के साथ जो ऑलरेडी आपको पुराने डिफेंडर में मिल ही रहा है। इसमें डिफेंडर 90 इंच मॉडल में आपको 3 डोर्स और 110 इंच मॉडल में आपको 5 डोर्स का ऑप्शन मिलेगा जो कि हमेशा से डिफेंडर में दिए जा रहे हैं। इससे पहले जो डिफेंडर आई थी वो थी लिमिटेड एडिशन, जिसे लिमिटेड होने की वजह से सिर्फ 150 कार्स ही कंपनी ने बनाई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सबके लिए उपलब्ध होगी। इसमें हमेशा की तरह स्पेयर व्हील इसके टेल गेट पे माउंटेड होगा। अब चलते हैं इंजन की तरफ तो न्यू डिफेंडर पावर ट्रेन के बारे में अपने प्रीडिसेसर से कुछ भी शेयर नहीं करती। इसके पावर ट्रेन विकल्पों में 2.0 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन शामिल है जो दो वेरिएंट्स में आता है, D200 जो 200 PS 430 न्यूटन मीटर पावर आउटपुट के साथ और D240 जो 240 PS 430 न्यूटन मीटर की पावर आउटपुट देता है। दूसरी ओर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो है P300
2 लीटर जो कि 4 सिलेंडर में आता है, जिससे आपको 300 पीएस 400 न्यूटन मीटर की पावर आउटपुट मिलती है। इसमें आपको एक पावरफुल 3 लीटर 6 सिलेंडर यूनिट के साथ ही 400 पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 400 पीएस 550 न्यूटन मीटर की पावर प्रोड्यूस करता है। जबकि जो ओल्ड डिफेंडर थी उसमें आपको 2.2 लीटर डीजल से 5 लीटर जैगुआर सोर्स V8 पेट्रोल इंजन तक की रेंज ऑफर की जाती थी, जिसमें आपको M52 इनलाइन 6 पेट्रोल 3.9 लीटर रोवर V8 2.4 ड्यूल टॉक टर्बो डीजल्स वगैरह देखने को मिलते थे। दोनों SUVs को कंपेयर करना निरर्थक होगा क्योंकि ओल्ड डिफेंडर काफी टाइम से अपग्रेड नहीं हुई थी। अगर हम लिमिटेड एडिशन की बात ना करें तो इसने पहले भी अपना नाम खूब कमाया है और अब ये नई डिफेंडर के साथ फिर से खेल में वापस आ गई है, और ऐसी उम्मीद है कि न्यू डिफेंडर को लोग ओल्ड डिफेंडर से कहीं ज्यादा पसंद करेंगे, खासकर कि जो ऑफरोडिंग का शौक रखते हैं। इसको यूएस में जीप रैंगलर से कम्पीट करना होगा, तो देखना होगा दोस्तों न्यू डिफेंडर मार्केट में क्या क्या रिवोल्यूशन लाएगी, लोगों द्वारा इसे कितना पसंद किया जाएगा और ये अपने कंपटीटर्स को कितना रिस्पॉन्ड कर पाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी जबरदस्त वीडियोस आगे लाता रहूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे जबरदस्त वीडियोस मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।